पिछले 8 दिन से हम लोगों को पढ़ाया है, मार्गदर्शन किया है और बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया है, समाधान दिया है। हमारे गुरु बने हैं, सबसे पहले उनका आभार करना चाहिए और उन तक पहुँचाया है। बहुत वर्षों के बाद 8 दिन का निश्चित व्यक्त करती बाबा नागराज जी का दर्शन भी अमित कुमार जी के माध्यम से हुआ है। वो भी एक बहुत सुखद घटना था। मैं इच्छा रखता हूँ, प्रयास करता हूँ भविष्य में अमर संकट में याद करूँ उनका दर्शन करूँ। विद्या संबंधित अभी पूरा आशंकाएँ हैं, ना समझी है, वो बाबा जी के स्वयं में बातचीत करने का आकांक्षा रखता हूँ, तो उससे और बहुत स्पष्टकरण मिलेगा। आज दिन में मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आया होगा, बारिश का आवाज़ नहीं सुन पा रही है, नहीं माइक करना पड़ा नहीं ये सुनो सुनो एक बार माइक का देखो किसी बहुत हो जाएगा भाई, सुनो ज़्यादा ऊंचा भी ना करो, हॉल में आवाज वहीं से आ जाएगी, कह रहे तो देख लो। Selective acceptance for ultimate rejection. कुछ मशीन ऐसा है कुछ समय के लिए उपयोग करना चाहिए और उसके साथ चिपकना नहीं चाहिए, उसको भी अंत गत्व छोड़ने की और छूने की क्षमता रखते हुए उपयोग करना चाहिए, ऐसा मैं कहता रहता हूँ। आज वो साक्षात हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग संप्रेषण कर सकें। पिछले 7 दिन की शिविर के माध्यम में मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं आया हो या कोई जिज्ञासा नहीं हुए हो, ऐसा बात नहीं थे, लेकिन हमने अपने को बहुत रोक करके रखा कि अभी पूरा एक शिविर लेने से पहले बीच में कोई प्रश्न पूछना बहुत उपयुक्त नहीं होंगे। एक प्रकार से अधूरा ज्ञान से पूछा हुआ प्रश्न हो जाएगा, पहले पूरा 8 दिन सुन लें और थोड़ा और अध्ययन करें, फिर जब प्रश्न उठेगा वो ज्यादा महत्व की या ज्यादा रिलेवेंट प्रश्न हो सकता है, ऐसा सोच करके बीच में मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमको कोई रुचि नहीं रहा हो या हमारा मन में कोई प्रश्न नहीं आया हो। कोई भी दर्शन या कोई भी सिस्टम, कोई विवाद समग्र रूप में समझना एक पूर्व शर्त है, जिसके ऊपर चाहे
खंडन करें चाहे अपनाएं या उस पर और प्रश्न करें। तो इसलिए पहला सब चीज श्रवण करना, मनन करना और चिंतन के माध्यम से कोई निष्कर्ष पर या कोई प्रश्न पर पहुंचे तब प्रश्न करें तो ज्यादा उपयुक्त होता है, ऐसा अनुभव में है, ऐसा शास्त्रों भी कहा गया है। तो इसलिए मैंने कोई प्रश्न बीच में नहीं पूछा। मूल्यांकन के लिए कल एक ही प्रपत्र हम सबको बांटा दिया गया है और उसको भरते समय मैंने देखा उसमें एक खाका है, एक कलम है जिसमें लिखा है कि आगे का क्या योजना है। मैंने उसमें लिखा आगे का योजना एक शिविर और मैं करूंगा। तो उसमें यह होगा कि अगले शिविर में मैं बहुत ज्यादा प्रश्न पूछूंगा क्योंकि एक शिविर हमने ले लिया है तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा बहुत ही अधिकार मिल गया है कि इस पर कोई चर्चा करो या बातचीत करो। मानव की वर्तमान परिस्थिति अच्छे नहीं है या बहुत खराब है ये सब लोग मानते हैं। सब लोग जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग मानते हैं। पश्चात देशों में सभी प्रतिष्ठित तथा कथित प्रतिष्ठित विद्वान लोग आजकल यही चर्चा करते हैं कि कब ये पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पर बहुत लिखा गया है, द 21st सेंचुरी व्हाट शेल बी डू, ऐसा भी लिखा गया है, व्हेन द कॉर्पोरेट्स रूल द वर्ल्ड, इस पर भी लिखा गया है, द पोस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इस पर भी लिखा गया है। और ये सब लेखक हैं, अधिकांश लोगों से जानता हूं और वो लोग परमपावन जी से भी आकर के बातचीत करते हैं। साइंस वाले भी हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी हैं। ये एक सहमत बने हैं कि मानव का वर्तमान परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। इसमें सच्चाई भी है, मैं भी मानता हूं। आर्थिक दृष्टि से विषमता, शोषण और हिंसा की वृद्धि, स्ट्रक्चरल हिंसा और उसके अतिरिक्त लड़ाई झगड़ा वार या अनडिक्लेयर्ड वार, आतंकवाद, शोषण, टॉर्चर, पर्यावरण की प्रदूषण, धर्म जिसको सबकी मोक्ष की या फ्रीडम की माध्यम माना गया है वो आज मानव को बचने की या मानव को लड़ाई में जाने की एक उपाय या एक कारण बने हुए हैं। इस तरह से बहुत सा गिना जा सकते हैं जो समस्या आज वर्तमान है और उसमें से एक एक समस्या संपूर्ण मानव को नष्ट करने के लिए सक्षम है और जिसके समाधान ना साइंस वाला को पता है ना धर्म वाला को पता है।
चिल्लाते हैं समस्याएं समस्याएं, हमको कुछ करना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए इसका जानकारी बहुत सीमित है, क्या है ही नहीं। तो ये एक तथ्य है, और इस तथ्य के साथ एक दूसरा तथ्य है जिसके ऊपर लोगों का कम ध्यान जा रहे हैं, वो है कुशल शक्ति, जो अच्छाई है मानव के बीच में या संपूर्ण अस्तित्व में व्यवस्था है, अच्छाई है, कुशलता है, वो विजिबल नहीं है लेकिन वो है, इसलिए आज हम बचा हुआ है। अगर वो नहीं होता तो हमको नष्ट करने की जो कारण है वो तो प्रकट हो चुके थे, और वो एक एक जैसा चुनौती हमने गिनाया वो सब संपूर्ण मनुष्य को नष्ट करने में या संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम था और सक्षम है, और उसको वृद्धि करते चले जा रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इतना अस्त्र हो गया है कि इस पृथ्वी को 36 बार नष्ट करने की क्षमता है, और कुछ लोग कहते हैं 40 बार, पता नहीं, एक बार नष्ट करने की शक्ति भी पर्याप्त है, तो वो 36 बार करने की या 40 बार करने की आवश्यकता नहीं है, संभावना भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा है, गिनित करके स्टेटिस्टिक वाले इस तरह से गिनते रहते हैं। लेकिन वो सारा खतरा होते हुए भी छोटे मोटे घटनाओं तक सीमित रहता है, कभी भूचाल आ गया, कभी बाहर आ गया, कभी कुछ हो गया, कोई संकेत मात्र में आंशिक रूप से विध्वंस होता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण मानव को नष्ट होने की संभावना रहते हुए भी जो नहीं हो रहा है, जो कुछ बचाव हो रहा है, यह इस बात के संकेत है कि जितना अकुशल की शक्ति बन रहे हैं उससे भी ज्यादा प्रबल रूप में कुशल शक्ति भी अदृश्य रूप में है। अब ये चयन करने का स्वतंत्रता प्रत्येक मानव के साथ है, हम कुशल शक्ति के साथ जाएंगे, उसको वृद्धि करेंगे या उससे अपने को लाभान्वित करेंगे, या हम अकुशल शक्ति के साथ जाएंगे और उससे अपने को भी नष्ट करेंगे और लोगों को भी नष्ट करने के प्रयास करेंगे। ये जो चॉइस है चयन करने का, ये स्वाधीनता प्रत्येक मनुष्य के पास रहते हैं। इस बात को पहचानने की आवश्यकता है, और इस बात को पहचानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम ये विद्या है, ऐसा मुझे मालूम हुआ। व्यापक कुशल शक्ति क्या है, और उस व्यापक कुशल शक्ति के साथ व्यक्ति का क्या संबंध है, और उस संबंध को हम कैसा और विकसित और सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अगर उसमें से गिरते हैं, हरास होते हैं, तो फिर कैसा उठ सकते हैं, ये सारे संभावना इस विद्या से निकलेगा, ऐसा कुछ मेरा अनुमान है और कुछ प्रत्यक्ष भी है। काफी विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकूंगा, ऐसा मुझे लगता है। बाबा की वाणी बहुत विशाल तो नहीं है, लेकिन आज की बहुत
व्यस्त लोगों की दृष्टि से 14-15 जो ग्रंथ हो गया है उन सबको कहीं बैठ करके पढ़ना बहुत सरल नहीं होगी किसको भी। और वो पढ़ने पर भी सब क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से समझना उतना सरल नहीं है। ये जो 8 दिन की कोर्स का स्ट्रक्चर बना दिया है ये बहुत ही अच्छा कार्य है ऐसा मुझे अनुभूति हुआ। अब इसको लेने के बाद फिर बाबा की कोई भी ग्रंथ हम अध्ययन करेंगे इसको पढ़ेंगे तो बहुत सरलता से समझ सकते हैं। बौद्ध वंशमय बहुत विशाल है, मेरे ख्याल से जितना भी धार्मिक परंपरा इस पृथ्वी में है उसमें वंशमय की दृष्टि से सबसे विपुलता बौद्ध वंशमय है। बाइबल या कुरान की तरह एक ग्रंथ से नहीं काम चलता है, हजारों ग्रंथ में फैला हुआ है, लेकिन उसको हम व्यवस्थित रूप से किसको समझाने के लिए दीपंकर श्रीजन जिन्हें एक मार्ग क्रम करके एक छोटा कोर्स बना दिया है 4-5 पृष्ठ है, उसमें सारा बुद्धिज्म को एक कंजेंस्ड कोर्स की तरह समझा सकते हैं। उसी तरह से ये 7-8 दिन की जो और लोगों के कोर्स की पाठ्यक्रम या स्ट्रक्चर बनाया गया है ये बहुत उपयोगी है। जिसने भी बनाया हो ऐसा तो बाबा की कृपा से आए हैं, और जिसने भी इसको ठीक करने की प्रयास किया हो वो सब साधु आदि पात्र हैं। इससे ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक बहुत सुगम और सरल रूप में पहुंचाने का ये कम हुआ है, इसलिए इसको महत्व देना चाहिए। महत्व देते हुए ये कोर्स लेने के बाद फिर बाबा की और रचनाओं को पढ़ने की भी आवश्यकता है। ये ना समझ लें कि हमने कोर्स ले लिया है अब बाकी ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता, हमने सब समझ लिया है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इस पर भी ध्यान रखना होगा कि एक एक कुंजी हमको मिल गया है तो कुंजी के साथ नहीं रह जाना है, उससे ताला खोल करके अंदर घुसना, और अंदर घुसने के बाद उस विशाल भवन को और उसकी सजावट को और उसके एक एक वस्तु से परिचित होना और उससे लाभ लेना, ये हम लोगों का ये कोर्स में उपस्थित होने के बाद एक दायित्व है बन जाते हैं। तो इसलिए इस दायित्व के प्रति मैं आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। समग्र दर्शन को और इस समग्र कोर्स की ढांचा से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं, अनुकरण करने की प्रयास करूंगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं निकलना चाहिए कि इसके सब डिटेल्स भी सहमत होता है। असहमत दो प्रकार के हो सकते हैं, पूर्वाग्रह के कारण असहमत होते हो या ना समझने के कारण असहमत होते हो। एक टोटैलिटी में जो सही होता है वो डिटेल्स में भी सही होना चाहिए, सही होगा, लेकिन बहुत सा छोटे छोटे ऐसा बिंदु हैं जिससे अभी मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हो पाया हूँ, वो अगले कोर्स में मैं प्रश्न करूँगा, और मैं प्रश्न बाबा जी का दर्शन होता है तभी करूँगा। जब
उन आसमतों को या ना समझों को जब हट जाएंगे, क्लियर होगा, तो और भी इस विद्या को बड़े प्रकार से देखने की, समझने की क्षमता मिलेगी, ऐसा मेरे आशा है। वो सारे तमाम जो मेरे संशय हैं उसमें से दो बातें आपके साथ शेयर करने में, आपके साथ बांटने में कोई आपत्ति नहीं होंगी, ऐसा मेरे आशा है। उसने एक बात मोटा मोटे रूप से जो मेरे दिमाग में बार बार आते हैं वो यह कि मैं या आई की पहचान कराना इस विद्या की एक महत्वपूर्ण अंग है। यहां से प्रारंभ होते हैं, शरीर को या ये स्कंधों की पूरा परिभाषिक शब्द में बोलेंगे, स्कंधों के समूह को स्व मान लेना या मैं मान लेना, ये बहुत बड़ा बूंद है जिसके कारण सभी संसारिक के समस्याओं का उत्पन्न होता है, ऐसा बौद्ध मंत्रमय में कहा गया है। बौद्ध लोग इसको मानते हैं। तो बौद्ध लोगों का प्रस्थान स्वतांत्रिक और विभाषिक नामक दो संप्रदायों से प्रारंभ होता है। वहां पर जैसा इस विद्या में कहा गया है कि शरीर को या स्कंदों के समूह को स्व मत माने, मैं मत माने, और मैं उसमें नहीं है और कुछ और चीज है, लेकिन मैं का सत्ता है, एक स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा मान करके प्रारंभ होता है। वह विज्ञानवाद और माध्यमिक दर्शन में पहुंचते हैं तो उस सत्ता को भी निषेध करते हैं। मैं की पहचान के बाद उसके ऊपर अगर हम अटक जाए तो वो अहम हो जाने की या ईगो हो जाने की एक खतरा, एक संभावना दिखाई देते हैं। तो उससे हम कैसे बचे? स्व की या सनातन धर्म की भाषा को लिया जाए तो आत्मा की दर्शन होने के बाद आत्मा धारणा ना हो जाए और आत्मा के ऊपर चिपक ना जाए। यदु कृष्णमूर्ति का संपूर्ण वंशमय मैं की सत्ता को निषेध करने के प्रयास में ही लगा हुआ है। वो चारों तरफ से घूम फिर करके इंडिपेंडेंट, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित के अर्थ ये है कि को एग्जिस्ट ना होकर के सो एग्जिस्ट हो जाए। आई का सत्ता कि को एग्जिस्ट की समझने की क्षमता बनने से पहले आई के एक टूटना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे विरोध से, द्वंद से उस समस्या का समूल नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो एक तथ्य है, जब तक उस समस्या की कारण को निवारण नहीं करेंगे तो ये सिम्टम ट्रीटमेंट से समस्या का समाधान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल माने हुए सकते हैं। लेकिन बहुत दर्द होता है तो सिंड्रोम ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है
तो दर्द निवारक के दवाई लेना भी पड़ता है। जब तक आपका वो रोग जो है पूरा क्योर ना हो जाए तब तक के हम दर्द को सहते रहेंगे, ये बात भी शायद बनती नहीं है। गांधी जी का सत्याग्रह का एक सिद्धांत है, सत्याग्रह से जो अन्यायकर्ता का हृदय परिवर्तन कब होगा वो बहुत लंबा सिलसिला है। आज सत्याग्रह करेंगे कल वो अन्यायकर्ता का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा, ऐसा वो तथ्य नहीं लगता है। हृदय परिवर्तन होना तो अल्टीमेट लक्ष्य है ही। सत्याग्रह के माध्यम से जो अन्याय की प्रतिकार करते हैं तो वो अन्यायकर्ता को कोई अनिष्ट हो इसका तो कहीं पर भी इंटेंशन नहीं रहना चाहिए, ये तो साफ है। तो इसलिए उसका अल्टीमेट वो अन्यायकर्ता का हृदय परिवर्तन हो, उनको समझ ना आए, उनको समाधान मिले, उस दिशा में चले हैं। लेकिन उनके हृदय परिवर्तन होने तक हम उसका प्रतिकार, उसकी कार्य को, उसकी एक्शन को प्रतिकार नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मान्यता शायद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए वो तत्कालिक रूप से एक एक्सप्लिसिट प्रतिरोध है, विरोध है, वो अन्याय के प्रति होते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विद्या के माध्यम से, जीवन विद्या के माध्यम से उस प्रतिरोध का हानि होगा या क्षति होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हम ये ऐसा ना सोच बैठे कि विद्या के माध्यम से समाधान तो मिलना ही है, तब तक हमको किससे कॉन्फ्रंटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये एटीट्यूड शायद हमको लेना सही होगा कि नहीं होगा, इस पर विचार करने की भी आवश्यकता मुझे लगता है। बाकी आप लोग कर ही रहे हैं इस विद्या को, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में भी ले जाना चाहिए बच्चों को, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल से ही इसका कैसा समावेश हो और शिक्षा संस्कार जो तथाकथित स्कूलिंग शिक्षा के समय में भी सही शिक्षा संस्कार मिल सके, उसके क्या उपाय होगा और उसका क्या कार्यक्रम होगा, इस पर बहुत तेजी से और बहुत एक तरह से प्राथमिकता देकर के विचार करना चाहिए, उस कार्य में सब लोगों को सहयोग देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों ने मेरे लिए कोई समय की सीमा बंधी नहीं है, मैं बहुत चीज कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई चीज कहने की आवश्यकता है या उसकी उपयोगिता है। तो ऐसे ये दो तीन बिंदु मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ और अंत में सबके प्रति मैत्री भावना के साथ यहाँ पर 8 दिन की हम लोग साथ रहे हैं और एक संबंध बने हैं या संबंध ऑलरेडी था उसको हम लोगों ने फिर से रिफ्रेश किया है, व्यवस्थित किया है, इससे कोई परिणाम निकलना चाहिए, इससे कोई ऊर्जा निकलना चाहिए,
जिससे कम से कम 10 गुने लोगों तक ये ऊर्जा पहुंचे और उससे सबको प्रेरणा मिले, ऐसा मेरे आकांक्षा है और प्रार्थना है। सबको धन्यवाद।